हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक्चुअली जॉब प्रोफाइल कैसा होता है रेलवे में, इसके रिगार्डिंग जो है आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है 1900 ग्रेड पे का जॉब है। और एक्चुअली इसमें जो आपका जो है जो इलेक्ट्रिकल जो विभाग है, एक्चुअली जैसे इलेक्ट्रिकल विभाग में बहुत सारे सब डिपार्टमेंट होता है, जैसे वर्कशॉप भी होता है, इसके अलावा जनरल सर्विसेज होता है, या इसके अलावा जैसे वर्कशॉप हो सकता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो सबका थोड़ा बहुत डिफरेंट वर्किंग रहता है, हल्का फुल्का। जैसे आपको बताते हैं कि अगर आपको जनरल सर्विस में देता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो जो आप देखते होंगे एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह, उसमें जो है एक्चुअली जो एसी जो कोचेज वगैरह जो होता है उसका मेंटेनेंस रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। किसी बड़े रेलवे स्टेशन वगैरह पे एक्चुअली ऑफिस होता है एसएससी इंचार्ज का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंचार्ज का, और आपका भी उसी एक्चुअली स्टेशन पे शिफ्ट में ड्यूटी रहेगा। और एक्चुअली कभी कभार होता है कि कोई कोचेज वगैरह से कंप्लेन वगैरह आता है कि सही तरीके से एयर कंडीशनिंग वगैरह वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में जो है उस कंसर्न स्टेशन पे जहाँ पे स्टॉपेज है, जहाँ पे आप हैं पोस्टेड, तो वहाँ पे जो है आपको जितना देर का हॉल्ट है उस दरमियान में जो है उसका मेंटेनेंस करना रहता है। वो पहले से आपको जानकारी रहेगा, कंट्रोल के थ्रू जो है आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या समस्या है। इसके अलावा जैसे वर्कशॉप वगैरह में क्या होता है कि जैसे बहुत प्रकार के वर्कशॉप वगैरह होते हैं, जैसे प्रोडक्शन यूनिट भी होता है जहाँ पे इनके से कोचेज या वैगन वगैरह का बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो एसी वगैरह से रिलेटेड जो एक्चुअली संबंधित जो रहता है कार्स, उसका जो है आपका मेंटेनेंस या एक्चुअली उसका इंस्टॉलेशन वगैरह जो किया जाता है उसको देख रेख करना रहता है। इसी प्रकार वर्कशॉप में भी काम रहेगा, प्रोडक्शन यूनिट में आपको पता है जहाँ पे एक्चुअली या तो इंजन बनता होगा या इसके अलावा कोचेज बनता होगा या वैगन बनता होगा, पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन का कोचेज या गुड्स ट्रेन का जो है वैगन बनता होगा, तो उसमें भी देखते हैं एसी का जो है एक्चुअली उसमें लगा हुआ रहता है। एक्चुअली बहुत सारे सामान वगैरह जो है वैगन के थ्रू जो है गुड्स ट्रेन के थ्रू जो एक जगह से दूसरे जगह जो जाती है, एक्चुअली ऐसा सामान जो एक्चुअली अगर गर्म में रखा जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सर्टेन उसका जो है एक टेम्परेचर होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर में एक्चुअली रखा जाता है, तो उसमें कुछ अगर डिफेक्ट आ जाता है तो उसका मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क आपको करना रहता है। काज वगैरह बहुत आसान है और कोई ज़्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं रहता है। अगर आपको मौका मिलता है जरूर आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।